hello students this is the eighth video of the chapter the central islamic lands in this video we will start with the page number 99 the study of new subjects promoted critical inquiry and had profound influence on islamic intellectual life that means qinai subjects ने जो नए नए सब्जेक्ट्स का अध्ययन हो रहा था उसने और ज़्यादा क्रिटिकल इंक्वायरी को इंक्रीज किया लोगों की और जो इस्लामी इंटेलेक्चुअल लाइफ थी उस पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला देन स्कॉलर्स विद अ थियोलॉजिकल बैंट ऑफ माइंड इस तरह से जो धर्म वैज्ञानिक थे और वो धर्म वैज्ञानिक कई प्रवृत्तियों वाले थे उनमें उन्हें क्या बोला जाता था जो कई प्रवृत्तियों वाले धर्म वैज्ञानिक थे उन्हें मुज़िला के नाम से जाना जाता था और उनका मेन उद्देश्य होता था कि इस्लामी विश्वासों की रक्षा करें और इसके लिए वो यूनानी तर्क और विवेचना जो कलाम जिसको कहते हैं उन तरीकों का इस्तेमाल किया करते थे तो स्कॉलर्स विद अ थियोलॉजिकल बैंड ऑफ माइंड सच एज़ ग्रुप नोन एज मुज़िला तो ऐसे लोगों का जो एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो स्कॉलर्स थे और उनको मुजिला बोला जाता था और वो ग्रीक लॉजिक को यूटिलाइज़ करते थे ताकि इस्लामिक बिलीफ्स को सिक्योर किया जा सके अब उन्हीं में से एक फ़िलासफ़र philosopher, फ़िलासफर्स को क्या बोला जाता है अरबी में फल फलसफ़ा बोला जाता है पोस्ट वाइडर क्वेश्चन उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया प्रोवाइडेड फ्रेश आंसर्स जो भी क्वेश्चन उठे थे इस्लाम के ऊपर उन पर उन्होंने नए सिरे से व्याख्या की ibn sina in 8980 to 1037 a doctor profession and a philosopher's so ibn sina a doctor the by profession and professor the वो बिलीव नहीं करते थे कि कयामत का जब दिन आता है तो जो शरीर है उसकी दोबारा उत्पत्ति हो जाती है दिस वॉज मेट विद अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्राम थियोलॉजी एंडस ऑल्सो और इसका जो विरोध था वह बहुत सारे धर्मवैज्ञानिकों ने भी किया था देन हिज मैटिकल राइटिंग वर वाइडली रीड ऑल उनकी जो मेडिकल राइटिंग थी यानी चिकित्सा विज्ञान जो था वो बहुत ज़्यादा पढ़ा गया उनके सिद्धांतों को द मोस्ट इन्फ्लुन्शल वॉज़ कनान फिल तिब और उनका उसमें से सबसे महत्वपूर्ण और जिस पर लोगों पर जिसने प्रभाव डाला वो जो राइटिंग थी मेडिकल रिलेटेड चिकित्सा ज्ञान से रिलेटेड वो थी अल कनान फिल तिब जिसे कैनन ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है यानी उसमें चिकित्सा के सिद्धांत थे अ मिलियन वर्ड मैनोस्क्रिप्ट दैट लिस्ट सेवन सिक्सटी ड्रग्स सोल्ड बाय फार्मेस्ट ऑफ इस डे उसमें उन्होंने नीयर अबाउट सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी दवाइयों के बारे में बताया था जिसे उस टाइम पीरियड में जो फार्मासिस्ट थे वो बेचा करते थे और इसके अलावा उन्होंने एक्सप्लेन किया अपनी इस चिकित्सा सिद्धांत में जिसे क्वानन फिलते बोलते हैं इस बुक में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि किस तरह से उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे हॉस्पिटल्स में बीमारिस्तान स्थान जिसको बोला जाता है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था कैनन पॉइंट्स आउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइटिक्स इसके अलावा ये जो पुस्तक थी उसमें डाइट के बारे में भी बताया गया था कि किस तरह से अपनी डाइट को अगर हम बेटर कर लें तो बीमारियों से बचा जा सकता है और बीमारियाँ पर क्लाइमेट और एनवायरनमेंट जो हमारी हेल्थ है उस पर क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है ऑन द कंटेजियस नेचर ऑफ सम डिजीजेस ऑन द अदर हैंड ही आल्सो एक्सप्लेनड दैट जो कुछ बीमारियां हैं वो फैलती भी हैं संक्रामक रोग होते हैं वो और ये जो पर्टिकुलर बुक थी उसका यूटिलाइजेशन यूरोप में भी हुआ द कैनन वॉज यूज एज अ टेक्स्ट बुक इन इन यूरोप वे द ऑथर वॉज नोन एज अवेसना जस्ट बिफोर इज डैथ द साइंटिस्ट एंड द पोएट उमर ख़याम वॉज सेड कि एक जो यूरोप में एक ऑथर था एवेसना उसको ये बोला गया कि वो अपने मरने से पहले जैसे कि उमर कयाब ने एक्सप्लेन किया है कि मरने से पहले वो उसी बुक को पढ़ रहे थे एंड हिज़ गोल्ड टूथ पिक और इसका अंदाज़ा कैसे लगाया कि उन्होंने उस बुक के बीच में उनकी जो गोल्ड टूथ पिक थी उसको वो मिली तो इसे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि वो इस बुक को पढ़ रहे थे और आ, इस तरह से मध्यकालीन मतलब इन मेडिवल इस्लामिक सोसाइटीज़ फाइन लैंग्वेज एंड अ क्रिएटिव इमेजिनेशन वर अमंग द मोस्ट अप्रिशिएटेड क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन कि जो मिडिवल टाइम पीरियड था उसमें किसी व्यक्ति के के पास अगर अच्छी भाषा बोलने का तरीका है या वो क्रिएटिव है बहुत ज़्यादा तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता था उसकी क्वालिटीज़ को मतलब अगर उसकी लैंग्वेज अच्छी है अगर वो क्रिएटिव इमेजिनेशन रखता है तो ही मस्ट बी अप्रिशिएटेड एंड दीज क्वालिटीज़ रेजड परसन्स कम्युनिकेशन टू द लेवल ऑफ़ अदब और ये जो उसकी क्वालिटी है वो अदब को बढ़ा देती है अदब मतलब कि उसके अंदर इसका होता है कि आ, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊंचा अदब मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा ऊंचा उठा देती है अगर उसकी अंदर क्रिएटिविटी है अगर उसके अंदर आ, क्या है अच्छी लैंग्वेज बोलने का तरीका है अ टर्म विच इम्प्लीफाइड लिटरेरी एंड कल्चरल रिफाइनमेंट अब अदब किसको आ, बताता है किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है अदब द टर्म एम्प्लाइड लिटरेरी लिटरेरी मतलब कि साहित्यिक और सांस्कृतिक परिश्क्रा परिष्कार को ये संबोधित करता है कि एक पर्सन जो है लिटरेली लिटरेरी यानी सांस्कृतिक कल्चरल uh, मतलब सांस्कृतिक लिटरेरी मतलब साहित्यिक परिश्कार को और ज़्यादा आगे बढ़ाता है अदब फॉर्म्स ऑफ़ एक्सप्रेशंस इंक्लूडेड पोइट्री इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि किस तरह से जो अदब है और अदब की जो अभिव्यक्ति है वो किस किस में की जा सकती है प्रोज में भी और इसके अलावा पोइट्री में भी यानी अदब क्या होता है कि एक व्यक्ति एक बहुत अपने आप को ऊपर उठा लेता है अपनी अच्छी बातों से अच्छी लैंग्वेज से अपने इंटेलेक्चुअल से और उन सब चीज़ों को कैसे लिखा जा सकता है पोएट्री की फॉर्म में भी और प्रोज़ की फॉर्म में भी विच वर मीन टू बी मेमोराइज एंड यूज वेन द ओकेजन अरोज़ और इस तरह से उनको याद करके रखा जा सकता है जब भी कोई ऐसा टाइम आए कि उन्हें पढ़ा जाना हो तो उस टाइम पीरियड में इस्लाम के टाइम पीरियड में एक बहुत ही फ़ेमस रचना थी और वो कौन सी थी वो बहुत ही फेमस बुक जो थी प्री इस्लामिक ओरिजिन वॉज ओड कसीदा जिसको क्या बोला जाता है कसीदा एंड एक संबोधित गीत था वो एंड डेवलप्ड बाय पोएट ऑफ अबासिद पीरियड और वो जो संबोधित गीत मतलब कि मान लो कि पोएट्स हैं और वो किसका संबोधन कर रहे हैं अपनी आ, जो कविताएं हैं या अपनी जो कहानियां हैं अपने मालिकों का अपने पैटर्न्स का जिन्होंने उन्हें आश्रय दिया है तो उस तरह से आ, भी उस टाइम पीरियड में लिखा गया कि अपनी मालिकों की अच्छाइयों को किसकी फॉर्म में लिखा गया उनके अदब को किस फॉर्म में लिखा गया इन प्रोज एंड पोएट्री फॉर्म पोएट ऑन पर्शियन ओरिजन, रीवाइटलाइज्ड एंड री अब जो पोएट्स थे पर्शियन ओरिजन के उन्होंने रीवाइटलाइज मतलब पुनः आविष्कार किया और उन्होंने नई जान फूँक दी री इन्वेंटेड नई जान फूकी अरेबिक पोएट्री में और चैलेंज किया कल्चरल हैगेमनी को कल्चरल हैगेमनी जो थी मतलब जो कल्चरली अरब्स ने आधिपत्य किया हुआ है उसको चैलेंज किया अबू नवाज वॉज अ पर्शियन ओरिजन अबू नवाज जो पर्शियन ओरिजन का था उन्होंने न्यू ग्राउंड्स ब्रोक द न्यू ग्राउंड बाय कम पोजिंग क्लासिकल पोएट्री और न्यू थीम्स की उन्होंने जो पुराना जो एक तरीका चला आ रहा था पर्शियन किस चीज़ का अरब आ, की संस्कृति का या अरब अरबी में जो कहानियाँ और गीत लिखे गए थे तो अबू नवाज़ ने उस पर्शियन ओरिजिन को तोड़ा और उन्होंने नई क्लासिकल पोएट्री लिखी जिनमें उन्होंने नई नई थीम ली जैसे कि वाइन मेल लव विद इंटेंशन ऑफ सेलिब्रेटिंग प्लेजर इन सब्जेक्ट्स को उन्होंने लव के सब्जेक्ट को या मेल लव विद इंटेंशन ऑफ सेलिब्रेटिंग और किस इंटेंशन से ये कुछ सब्जेक्ट्स थे कि किस तरह से प्लेजर की जा सकती है उससे और जिसको क्योंकि किसने मना किया है फॉरबिडन बाय इस्लाम कि इन सब्जेक्ट्स पे इस्लाम नहीं लिखता उसमें उसे फॉरबिडन किया गया उस पर रोक लगाई गई है जबकि अबू नवाज़ ने ऐसा उन सब्जेक्ट्स को यूज़ करके अपनी पोइट्स प्रोज में लिखा आफ्टर अबू नवाज़ द पोएट एड्रेस द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर पैशन इन मस्कुलिन इसके अलावा फिर आगे चल कर ने अपना जो पैशन था किसके ऊपर पुरुष के ऊपर उसे भी संबोधित किया चाहे वो स्त्री ही क्यों ना हो तो उन्होंने ये सब चीज़ें भी लिखी फॉलोइंग द सेम ट्रेडिशन द सूफीज़ ग्लोरोफाइड उसी को फॉलो करते हुए सूफीज़ ने ग्लोरीफाई किया किस चीज़ को ग्लोरीफाई किया रहस्यवादी प्रेम को इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड बाय वाइन बाय मिस्टिकल लव कि रहस्यवादी प्रेम की मदिरा द्वारा उसकी मस्ती का गुणगान किया बाई द टाइम द अरब कॉन्कर्ड ई ईरान पहलवी वो टाइम जब अरब्स ने कंकर्ड किया था ईरान को उस टाइम पीरियड में पहलवी वहाँ की लैंग्वेज थी और उसमें ही सक्रेट बुक्स को लिखा गया था एंशेंट ईरान की लेकिन वो धीरे धीरे पहलवी भाषा का यूसेज डिके होता गया कम होता गया अब वर्जन ऑफ पहलवी नोन एज न्यू पर्शियन अब ये जो वर्जन था इस लैंग्वेज का नया वर्जन आया जो क्या कहलाया न्यू पर्शियन विद अ ह्यूज अरेबिक वोकेबलरी जिसके अंदर बहुत सारे अरेबिक शब्द भी थे तो एक सिंपल चीज़ माइंड में रखेंगे कि पहले पहलवी का यूज़ होता था ईरान में अरब के कॉन्कर्ड से पहले उनके कॉन्कर करने के बाद एक नया वर्जन आया पहलवी का और वो क्या था न्यू पर्शियन विद ह्यूज अरेबिक वोकेबलरी जिसमें बहुत सारे अरेबिक वर्ड्स भी थे द फॉर्मेशन ऑफ़ सल्तनत इन खुरासन एंड इन टेक्सोनिया टुक न्यू पर्शियन एज अ ग्रेट कल्चरल हाइट तो सल्तनत टाइम पीरियड में खुरासन में और ट्रांसिक्सोनिया में न्यू पर्शियन ने अपनी चरम सीमा को छुआ द सामिनित कोर्ट पोएट रुदाई रुदाकी वॉज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री इसको अंडरलाइन करेंगे सामानित का जो दरबार था उसमें आ, रुदाकी जो एक पोएट था उसने उसको क्या बोला गया फादर ऑफ़ न्यू पर्शियन पोएट्री विच इंक्लूडेड फॉर्म्स ऑफ शॉर्ट लिरिकल पोएम गज़ल जिसने किस चीज़ को भी इंक्लूड किया शॉर्ट लिरिकल पोयम गज़ल्स को यानी दो लाइनों में बयां करने वाली जो बात है उसको गज़ल बोया बोला गया और क्वान मतलब रोबई जो चार लाइनों में बोली जाती है चार लाइनों का स्टैंडा होता है इस तरह से द तो फर्स्ट टू लाइन अब रुबई में पहली दो लाइनें जो होती हैं वो एक स्टेज तय करती हैं कि, कि किसके बारे में बोला जा रहा है द थर्ड इज़ फाइनली पॉइड थर्ड जो होती है वो इतनी ख़तरनाक होती है कि उसके बारे में समझना बहुत मुश्किल होता है उस लाइन के बारे में एंड द फोर्थ डिलीवर्स द पॉइंट और फोर्थ लाइन जो होती है जो एक्चुअली में वो पोइट बोलना चाहता है उसको एक्सप्लेन करती है तो कहने का मतलब है कि रुदा की एक बहुत बड़े न्यू पर्शियन पोएट्री को उन्होंने इस्टेब्लिश uh, किया था जिसमें गज़ल थी और रुबई थी गज़ल दो लाइनों की होती है और रुबई चार लाइनों की होती है इन कंट्रास्ट फ्राम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रुबई इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड अब जो सब्जेक्ट मैटर मतलब किसी भी सब्जेक्ट पर रुबई लिखी जा सकती है इट कैन बी एक्सप्रेस ब्यूटी ऑफ बिलव्ड उसको भी एक्सप्रेस किया जाता है रुबई में इसके अलावा प्रेज अ पैटर्न मतलब जो अपने आता है उनकी प्रेज में भी रुक लिखी जा सकती है एक्सप्रेस द तो थॉट्स ऑफ फ़िलासफर्स की थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए भी लिखा जा सकता है एंड इसके अलावा इस टाइम पीरियड में जो रुबई थी वो अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी किसकी वजह से उमर खयाम की वजह से ऑल्सो एन एस्ट्रोनॉमर वो कौन थे एस्ट्रोनॉमर थे मैथमेटिशियंस थे वो लिव्ड इन वेरियस टाइम इन बुखारा समरकंद एंड इसफान तो, तो कई जगहों पर वो समय समय पर रहे थे एट द बिगनिंग ऑफ द इलेवंथ सेंचुरी गज़नी बिकम द सेंटर ऑफ पर्शियन लिटरेरी लाइफ तो गज़नी एक वो जगह थी जो पर्शियन लिटरेरी लाइफ का एक सेंटर बन गई अब पर्शियन यानी जो लिखित अभिलेख होते हैं उनका एक सेंटर बन गई पोएट्स वर नेचुरली अट्रैक्टेड बाय द ब्रिलियंस ऑफ इम्पीरियल कोर्ट उस टाइम पीरियड के जो पोएट थे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे उस टाइम पीरियड के इम्पीरियल कोर्ट से यानी राजा के दरबार से रूलर्स से और रूलर्स टू रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ पैटर्नाइजिंग आर्ट रूलर्स भी ये जानते थे कि आर्ट को हम जितना पैटर्नाइज करेंगे आश्रय देंगे वो और ज़्यादा उनकी प्रेस्टीज को एनहांस कर देगी क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो आगे वो याद नहीं रखा जाएगा जब तक कि उसे लिख ना दिया जाए बुक्स में और वो काम कौन करेंगे पोइट्स करेंगे तो इसलिए वो उन्हें आश्रय देते थे पैट्रोनाइज़ करते थे महमूद ऑफ़ गजनवी गैदर्ड अराउंड हिम जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया गया है कि महमूद जो थे गजनी के वो अपने पास हमेशा बहुत सारे पोएट्स रखते थे जो कि काव्य समूह एंथोलॉजीज़ और एपिक महाकाव्य पोएट्री जो थी उनको लिखा करते थे और उसमें से सबसे आउटस्टैंडिंग जो एक राइटिंग है वो किसकी है फिरदौसी की फिरदौसी जो एक पोएट था हु टुक और ये फ़िरदौसी ने शाहनामा बुक लिखी थी जिसको बुक ऑफ किंग्स बोला जाता है उसे लिखने में थर्टी इयर्स लगे एंड एपिक ऑफ फिफ्टी थाउजेंड और जिसमें क्या चीज़ लिखी हुई थी लगभग उसके अंदर पचास हज़ार के करीब क्या थी कपलेट्स थे और आ, कुपलेट्स मतलब बहुत सारे पद पद जिनको बोलते हैं और ये इस्लामी साहित्य की एक बहुत ही श्रेष्ठ कृति मानी जाती है शाहनामा जो था उसमें परंपराओं का को भी की भी व्याख्या की गई थी जिसमें सबसे अधिक लोकप्रिय आख्यान किसका था रुस्तम का विच पोएटिकली डिपिक्ट ईरान फ्रॉम क्रिएशन आ पंटल अरब कॉन्क्वेस्ट और इस तरह उन्होंने पोएटिकली uh, बताया था uh, कि ईरान में किस तरह से अरब ने कब्ज़ा किया इट वॉज कीपिंग विद गजन ट्रेडिशन एंड दैट पर्शियन लेटर बिकम द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर इन इंडिया यही कारण था जब गजनी ने यहाँ पर आक्रमण भी किया था इंडिया पर भी आक्रमण किया था तो पर्शियन लैंग्वेज को ही एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज और कल्चर की लैंग्वेज उन्होंने रखा था द कैटलाग किताब अलफ़रीसत अब कैटलाग जो है बगदाद में एक पुस्तक विक्रेता इब्न इब्द इब्न नदीम की एक पुस्तक सूची में ऐसी बहुत सी पुस्तकों का उल्लेख है जो पाठकों की नैतिक शिक्षा और उसके मनोरंजन के लिए लिखी गई थी तो अ ऑफ अ बगदाद बुक सेलर इम नदीम डिस्क्राइब अ लार्ज नंबर ऑफ़ वर्क रिटर्न इन प्रोज फॉर द मॉरल एजुकेशन एम्यूजमेंट ऑफ़ रीडर तो बहुत सारी बुक्स की ऐसी इंडेक्स है जिसमें uh, कैसी बुक्स थी एम्यूज़मेंट ऑफ़ रीडर्स के लिए उनको Uh, मतलब उनकी उनको एम्यूज़ करने के लिए उनको खुश रखने के लिए और इसके अलावा नैतिक जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड बुक थी द ओल्डेस्ट ऑफ़ दीज इज़ अ कलेक्शन ऑफ़ एनिमल फैबल्स उनमें से सबसे पुरानी कौन सी है कौन सी कहानियों का संग्रह है एनिमल फैबल्स कॉल्ड काली uh, कलीला व दिमना कलीला दिमना जो थे दो जैकल्स थे जो लीडिंग करेक्टर थे इस बुक के विच इज़ द अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ जिसको अरेबिक ट्रांसलेशन बोला जाता है पहलवी वर्जन की पंचतंत्र का यानी पहले तो पंच पंचतंत्र जो संस्कृत में लिखी गई थी विष्णुगुप्त की उसका पहलवी वर्जन किया गया और पहलवी वर्जन से फिर अरेबिक वर्जन किया गया तो ये बुक भी बहुत ज़्यादा फेमस थी विच इज़ द अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ पहलवी वर्जन ऑफ़ पंचतंत्र द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड लास्टिंग लिटरेरी वर्क्स आर द स्टोरी ऑफ हीरो हीरोडवेंचर सच एज़ अलेक्जेंडर सिंध तो बहुत ज़्यादा ये भी फेमस हुए थे इनके ऊपर लिखी गई जो स्टोरीज थी अलेक्जेंडर के ऊपर एंड सिंध और दोज अनहैप्पी लवर्स ऑफ क्यास नोन एज मजनून और द मैडमैन तो इन सभी आ, के ऊपर जो बुक्स लिखी गई थी वो भी बहुत ज़्यादा फेमस थी कुछ बुक्स दीज हैव डेवलप्ड ओवर सेंचुरीज रोरल एंड रिटल ट्रेडिशन ये वो कहानियाँ किसे कहानियाँ थी जो कई सालों तक सिर्फ ओरल और रिटन ट्रेडिशन में रहे थे द थाउजेंड ऑफ वन नाइट इज़ एन अदर कलेक्शन द था थाउजेंड एंड द वन नाइट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है स्टोरीज़ का जिसमें एक सिंगल नरेटर ने ही सारी स्टोरीज़ को बोला है और वो कौन है शहरज़ाद जो अपने पति को हर रात एक नई कहानी सुनाती थी द कलेक्शन वॉज औरिजनली इंडो परशियन एंड वॉज ट्रांसलेटेड इन टू अरेबिक इन बगदाद इन द एर्ट सेंचुरी तो ये जो कलेक्शन था इंडो पर्शियन था इसको ट्रांसलेट किया गया अरेबिक में इन बगदाद में एट्थ सेंचुरी में मोर स्टोरीज़ वर लेटर एडिड इन कायरो ड्यूरिंग मामलुक पीरियड इसके अलावा कायरो जगह पर भी बहुत सारी स्टोरीज़ को इकट्ठा किया गया ऐड किया गया इन साहित्यों में मामलिक पीरियड में दीज स्टोरीज़ डिपेक्ट अब उन स्टोरीज़ के विषय क्या होते थे ह्यूमन बीइंग ऑफ डिफरेंट टाइप किस तरह के जेनरस पीपल भी हैं स्टूपिड भी हैं गुलीबल भी हैं क्राफ्टी भी हैं उन सभी लोगों के बारे में लिखा गया एंड वर टोल्ड टू एजुकेट एंटरटेन अब इन किताब अल बुख हाल बुक ऑफ मिजरीज जहनीज़ ऑफ बसरा कलेक्टेड एम्यूजिंग एंटीडोट्स कि उन्होंने बहाने वाले किस्से कलेक्टेड द एन्सीडोट्स किस्से एनसी मतलब जो बहाने वाले किस्से थे लालच के किस्से थे मनोरंजन के किस्से थे और कंजूसों के किस्से थे उन्होंने भी इसमें उस चीज़ को एनालाइज़ किया नाउ फ्रॉम द नाइनटीन नाइन्थ सेंचुरी ऑनवर्स द स्कोप ऑफ अदब वॉज एक्सपेंडेड अब धीरे धीरे ये जो अदब का स्कोप था मतलब पहले तो सांस्कृतिक और साहित्यिक ही बातें उसके अंदर लिखी गई थी अदब के अंदर लेकिन धीरे धीरे मतलब अदब होता है किसी व्यक्ति को कि किस तरह से उसके अच्छाइयां हैं उसकी क्या सोच विचार है और वो सोच विचार जो है वो उसका आ, के अंदर कई सब्जेक्ट्स आ जाते हैं बायोग्राफीज भी हैं मैनुअल्स ऑफ एथिक्स मिरर्स ऑफ प्रिंसेस एंड अबव ऑल हिस्ट्री त्वरिक एंड जोग्रफ़ी

इससे पहले हिस्ट्री नहीं लिखी जाती थी लेकिन अब लिखी जाने लगी मुस्लिम्स uh, ने भी लिखा हिस्ट्री को हिस्ट्री बुक्स व रीड बाय स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट ताकि हिस्ट्री बुक्स को जो स्कॉलर्स हैं वो पढ़ सके और स्टूडेंट्स भी पढ़ सकें ब्रॉडर फॉर्म में फॉर रूलर्स एंड ऑफिशल्स हिस्ट्री प्रोवाइड अ गुड रिकॉर्ड ऑफ़ ग्लोरीज़ एंड अचीवमेंट्स ऑफ़ डायनेस्टीज़ इस तरह से रूलर्स के लिए ऑफिशल्स के लिए हिस्ट्री ने क्या प्रोवाइड किया रिकॉर्ड प्रोवाइड किया उन ग्लोरीज़ का कि जो विजय हासिल की थी जो अचीवमेंट्स हासिल की थी डिफरेंट डायनेस्टीज़ ने Uh, और नए नए तरीके जो थे एडमिनिस्ट्रेशन के वो भी इस हिस्ट्री से पता चले जब हिस्ट्री को लिखा जाने लगा इन द टू मेज़र हिस्टोरिकल वर्क इसमें टू मेज़र हिस्टोरिकल वर्क हैं अनसब अल अशरफ ऑफ बलधूरी एंड रसूल वल मामलुक of Tabari. The whole human history was treated with the Islamic period as a focal point. तो so, पूरी human history को एक केंद्रीय बिंदु बनाकर Islamic period में लिखा गया था The tradition of local history writing developed with the breakup of खलीफत अब local history को कब से लिखा जाने लगा जब खलीफत breakup हो गई Books were written in Persian. अबाउट डाइनेसटीज़ परशियन लैंग्वेज में लिखा गया सिटीज़ और रीजन्स और एक्सप्लोर द यूनिटी ऑफ वेराइटी ऑफ वर्ल्ड ऑफ़ इस्लाम अब इस तरह से uh, कई डाइनेसटीज़ के बारे में लिखा गया सिटीज़ के बारे में लिखा गया रीजन्स के बारे में लिखा गया एकता के जो रीजन थे यूनिटी के वेराइटी ऑफ वर्ल्ड ऑफ इस्लाम इस्लाम से रिलेटेड बहुत सारी बातें लिखी गई ना जोग्राफी एंड ट्रैवल रिहला कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्पेशल ब्रांच ऑफ अदब अब जो आ क्या बोला जाता है यहाँ पर कि भूगोल और यात्रा वृत्तांत जो थे अदब की एक विशेष विधा बन गई कि भूगोल के बारे में भी लिखा गया यात्रा वृतांत जिन्हें रेहला बोला जाता है उसके बारे में भी लिखा गया इसमें यूनानी और ईरानी और भारतीय जो बुक्स थी उनको उनका जो ज्ञान था और पुस्तकों का ज्ञान और व्यापारियों और यात्रियों के जो विचार और आ, कथन थे उनको भी शामिल किया गया तो इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर दिया गया था राइटिंग्स में अब जिसमें आता है हमारा जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि इन मैथमेटिकल जोग्राफी इनहैबिटेड वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू सेवन क्लाइम्स की माना जाता है कि वर्ल्ड जो है सात खंडों में बटा हुआ है इक्वेटर के आसपास और उसमें से किसके बारे में बताया गया है कि तीन महाद्वीपों के अनुरूप सात किस्म की जलवायु में विभाजित किया गया है मतलब सात तरह की जो जलवायु होती है उसमें आ, वो इक्वेटर के आसपास है और तीन महाद्वीपों में फैली हुई है द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ ईच सिटी वॉज डिटरमाइंड एस्ट्रोनॉमिकली तो इस तरह से एस्ट्रोनॉमिकली या एस्ट्रोनॉमिकली किसी जगह को आ, बताया जा सकता था और मुख्य मुकदसीज़ थाउजेंड डिपिक्टि जोग्रफ़ी एहसान तकासिम, द बेस्ट डिवीज़न इन कंपेरेटिव स्टडी ऑफ कंट्रीज़ एंड पीपल द वर्ल्ड एंड ट्रेजर ट्रोव टू क्यूरियोसिटीज़, ओ मुस्तक मरूज अल अलहा में भूगोल और सामान्य इतिहास को मिलाकर लिखा गया था अलबरूनी की जो प्रसिद्ध बुक्स एक बुक है तहकीक माल हिंद ग्यारहवीं शताब्दी में एक जो मुस्लिम लेखक था उसने इस्लाम की दुनिया से बाहर देखना शुरू किया और यह जानने का प्रयास किया कि जो अन्य कल्चर्स हैं अन्य जो संस्कृति हैं उसके अंदर भी बहुत कुछ नॉलेजेबल लिखा गया है बाय द टेंथ सेंचुरी एन इस्लामिक वर्ड हैज़ इमर्ज टेंथ सेंचुरी में इस्लामिक वर्ड और ज़्यादा इमर्ज हुआ विच वॉज़ ई ईजीली रिकॉगनीजबल बाय ट्रैवलर्स रिलीजियस बिल्डिंग्स वर ग्रेटेस्ट एक्सटर्नल सिम्बल ऑफ दिस वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड में अब बाहरी रूप से देखने के लिए क्या चीज़ें थी कि आर्किटेक्चर कई चीज़ें बनाई गई जैसे मॉस्क इसके अलावा श्राइन्स तो धार्मिक स्थल होते हैं टॉम्स बनाए गए फ्राम स्पेन टू तो सेंट्रल एशिया तो बुक्स जो थी वो तो लिखी जाती थी इसके अलावा आर्किटेक्चर जो था वो नज़र आती थी चीज़ें तो एक बाहरी प्रतीक के रूप में धार्मिक इमारतें जो थीं उनको देखा गया और वो इस्लाम को जानने की एक पूंजी थी अब स्पेन टू सेंट्रल एशिया शोर द सम बेसिक डिज़ाइन अब स्पेन से लेकर सेंट्रल एशिया तक क्योंकि अरब फैले हुए थे तो कुछ बेसिक डिज़ाइन्स देखने को मिलते थे अब वो बेसिक डिज़ाइंस क्या क्या थे जैसे महराबे आगस मतलब मेहराब डोम्स मतलब गुम्बद मीनार इसके अलावा मीनारों के अलावा और क्या था वहाँ पर ओपन कोटयार्ड्स खुले हुए कोर्टयार्ड्स थे और ये मुसलमानों के स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक और प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक ज़रूरतों को भी अभिव्यक्त करते हैं इन द फर्स्ट इस्लामिक सेंचुरी द मास्क एक्वायर्ड अ डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल फॉर्म कि फ़र्स्ट इस्लामिक सेंचुरी में जो मस्जिदें होती थी उनका एक अपना अलग ही आर्किटेक्चर होता था जैसे कि रूफ़ को सपोर्ट करते थे पिलर्स विच ट्रांसेंडेड रीजनल वेरिएशंस और वो भी आ, प्रादेशिक विभिन्नताओं से परे था मस्जिद जो होती थी उनमें कुछ खुले हुए प्रांगण होते थे जहाँ पर फवारा लगा हुआ होता था या पौंड बना हुआ होता था और यह भी उसके जो इम्पोटेंट फीचर थे विच अ फाउंटेन पॉन्ड वॉज प्लेस लीडिंग अ वे वॉल्टेड वॉल्ट मतलब गुम्बदकार हॉल होता था विच कुड एक्कोडेट लॉन्ग लाइन ऑफ वर्शिपर्स जहाँ पर बड़ी बड़ी लाइने लाइनों में वर्शिप की जा सकती थी नमाज पढ़ी जा सकती थी एंड द प्रेयर लीडर इमाम जो प्रेयर लीडर होता था मतलब जो आ, प्रेयर करा रहा होता था आ, वो भी वहाँ पर बैठकर आराम से प्रेयर करा सकता था टू स्पेशल फ़ीचर्स वर लोकेटेड अब कौन से दो स्पेशल फ़ीचर्स थे बिसाइड द हॉल एक तो मेहराब था दैट इज़ नीच यानी मेहराब मतलब एक आला बना हुआ था एक आला मतलब दीवार के अंदर एक, एक स्पेस बनवाया हुआ था आला जिसको बोलते हैं इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ मक्का वो किसको इंडिकेट करता था मक्का की डायरेक्शन को एक पुलपिट होता था पुलपिट मतलब कि एक उठा हुआ चबूतरा जिसको हम कह सकते हैं जिस पर कि बैठ कर जिसको एक जैसे मंच हम कहते हैं स्टेज हम कह देते हैं मेंबर जिसको बोला जाता है प्रनाउंस्ड मेंबर फ्रॉम वेयर सरमन्स व डिलीवर जहाँ से किसको डिलीवर किया जा सकता है सरमन मतलब प्रवचनों को अब इमारत जो होती थी uh, इसके अलावा फ्रॉम वेयर सरमन्स विलीवर ड्यूरिंग नून प्रेयर्स ऑन फ्राइडे अटैच टू द बिल्डिंग वॉज मीनार अब बिल्डिंग किससे अटैच थी मीनार से अ टावर यूज टू कॉल द फेथफुल ऑफ प्रेयर एट द अपॉइंटिंग टाइम ऑफ सिम्बोलाइज द प्रेजेंस ऑफ न्यू फेथ अब उसने नए फेथ को सिम्बोलाइज किया टाइम वॉज मार्क्ड इन द सिटी एंड विलेजिज बाय द फाइव डेली प्रेयर्स अब टाइम को कैसे एनालाइज किया जाता था कि पूरे दिन में पाँच प्रार्थनाएँ होती हैं और वीकली सरमन्स जो प्रवचन है उनको दिया जाता था द सेम पैटर्न ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बिल्ट अराउंड द सेंट्रल कॉर्टयार्ड अपियर नॉट ओनली इन मास्क एंड मोसलम्स बट ऑल्सो इन कारवान सरेज हॉस्पिटल्स एंड पैलेसेस इसके अलावा केंद्रीय प्रांगण मतलब बीच में कोर्ट जो था और चारों तरफ जो आ, इमारत बनाई जाती थी वो सिर्फ़ मस्जिदों में मकबरों में ही देखने को नहीं मिली बल्कि सरायों में अस्पतालों में महलों में भी ऐसा पाया जाता था उमायद जो थे उन्होंने क्या किया कि आ, बिल्ट किया ओएसिस को डेजर्ट प्लेसेस में सच खिरबत मफजर इन पैलेस्टीन एंड ख्वाजर अमरा इन जॉर्डन विच सर्वड द लग्जरीस रेजिडेंस एंड रिट्रीट्स ऑफ हंटिंग एंड प्लेजर जिसमें आ, ऐसे रेजिडेंस बने हुए थे जो बहुत ही लग्जरीस थे इसके अलावा वो किस लिए यूज़ किए जाते थे हंटिंग के लिए प्लेजर के लिए द प्लेस मॉडल्ड ऑन रोमन एंड ससानियन आर्किटेक्चर वर लेविशली डेकोरेटेड विद स्क्रप्पच्चर्स इसके अलावा रोमन और सनानियन आर्किटेक्चर जो ससानियन आर्किटेक्चर था उसमें जो स्क्रप्चर्स होते थे जो भी ऐसी जगह थी ऐसे चित्र थे ऐसी प्रतिमाएँ थी ऐ, मतलब मूर्तियाँ वग़ैरह थी उनमें उनको मुसैक एंड पेंटिंग ऑफ पीपल उसको बहुत भव्य तरीके से सजाया जाता था द अबासिद बिल्ट अ न्यू इम्पीरियल सिटी इन समारा अबासिद्स ने नई सिटी बनाई समारा में और वहाँ पर गार्डन और रनिंग वाटर मैंशन द स्टोरी एंड लेजेंड्स रिवॉल्विंग अराउंड रशीद और उन्होंने लोगों के चित्र प्रतिमाएं जो थी उनको बहुत अच्छे से सजाया अब्बासियों ने समरा में बागों और बहते हुए पानी के बीच एक नया शाही शहर बसाया था जिसका ज़िक्र कब किया गया है कहाँ किया गया है हारुन उल रशीद में की कहानियों में किया गया है बगदाद में अब्बासियों ने विशाल महल और काहिरा में फ़ातिमे दो ने Uh, जो महल बनाए थे वो धीरे धीरे लुप्त हो गए थे और अब साहित्यिक पुस्तक ही बच गई थी उस टाइम पीरियड को जानने के लिए तो द ग्रेट पैलेसेस ऑफ अबासद खलीफ इन बगदाद और फातिम हैव डिसअपियर्ड लिविंग ओनली ट्रेसेस इन लिटरेरी टेक्स्ट द रिजेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटिंग लिविंग बीइंग्स इन द रिलीजियस आर्ट इस्लाम प्रमोटेड टू आर्ट फॉर्म अब इस तरह से इस्लामी जो धार्मिक कला थी उन्होंने प्राणियों के चित्रण के लिए यानी जो लिविंग बींग्स हैं उनको पोर्ट्रेट करने के लिए दो फॉर्म्स को यूज़ किया कैलीग्राफ़ी को जिसे खट्टाए और द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग बोला जाता है और इसके अलावा अरबेस्क अरबेस्क जिसको ज्योमेट्रिक और वेजिटल डिज़ाइन यानी ज्योम ज्योमेट्री के और वनस्पति डिज़ाइन जो थे उसमें बनाए जाते थे तो ये दो तरह की जो आर्ट फॉर्म थी उस टाइम पे प्रसिद्ध हुई कैलीग्राफी यानी सुंदर लिखना दूसरी अरबेस्क जिसके बारे में अरबेस्क में क्या बनाया जाता है अरबेस्क में ज्योमेट्रिक के सिंबल्स होते हैं और वेजिटल्स डिज़ाइन मतलब वनस्पतियाँ फूल पत्तियां बनी हुई होती हैं तो इमारतों को सजाने के लिए आम तौर पर छोटे और बड़े शिलालेखों का उपयोग किया जाता था इमारतों को सजाना है तो तो बेस्ट प्रिजर्व इन मैनुस्क्रिप्ट कुरान डेटिंग फ्राम एट एंड नाइनटीन सेंचुरी तो कैलीग्राफिक uh, आर्ट जो थी वो प्रिजर्व होकर रही मेनूस्क्रिप्ट में कुरानस की मेनुस्क्रिप्ट ऑफ द कुरान डेटिंग एट एंड नाइन्थ सेंचुरी में जो कुरान बनाई गई तो उसमें कैलीग्राफ़ी को यूज़ किया गया लिटरेरी वर्क सच किताब अल अगानी कलीला व दिमना एंड मकामत एंड हर ऑफ हरारी वर इलिस्ट्रेटेड विद मिनियचर पेंटिंग्स की उन बुक्स में बीच बीच में छोटी छोटी चित्रकारी भी की गई थी इन एडिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ इल्यूमिनेशन टेक्निक वर इंट्रोड्यूस इसके अलावा इल्यूमिनेट करने के लिए उसे और ज़्यादा सौंदर्य उसके बढ़ाने के लिए Uh, कई तकनीकों को शुरू किया गया इमारतों और पुस्तकों के चित्रण में उद्यान की कल्पना पौधे फूल पत्तियों के नमूनों का प्रयोग किया गया था आइडिया ऑफ गार्डन वर यूज इन बिल्डिंग एंड बुक इलस्ट्रेशन द हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल इस्लामिक लैंड ब्रिंग टुगेदर थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन अब ये जो सेंट्रल इस्लामिक लैंड की हिस्ट्री है उसने तीन uh, जो एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ के जैसे रिलीजन कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स यानी धर्म कम्युनिटी मतलब कि जो संघ होता है समुदाय होता है और राजनीति इन तीन चीज़ों के बारे में आ, लिखा गया इस्लामिक लैंड में और ये तीन महत्वपूर्ण एस्पेक्ट थे ह्यूमन सिविलाइजेशन के रिलीजन कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स अब हम इन्हें अलग अलग सर्कल्स के रूप में देख सकते हैं और मर्ज करके एक ही सर्कल में देख सकते हैं कि ये जुड़े हुए थे एक दूसरे से रिलीजन कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स इन द नेक्स्ट फाइव सेंचुरी सर्कल सेपरेट धीरे धीरे आने वाली शताब्दियों में ये जो तीनों चीज़ें थी आ, सेपरेट होनी शुरू हुई जैसे कि रिलीजन कम्युनिटी तो सेपरेट नहीं हुआ पॉलिटिक्स इससे तो सेपरेट हो गया टुवर्ड्स द एंड ऑफ आर पीरियड द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ओवर स्टेट एंड गवर्नमेंट वॉज मिनिमल धीरे धीरे जो राज्य था उसकी गवर्नमेंट पर जो प्रभाव था धर्म का इस्लाम का वो कम होता गया पॉलिटिक्स इन्वॉल्व मैनी थिंग विच हैड नो सेक्शन ऑफ रिलीजन पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें रिलीजन इंक्लूड नहीं था किंगशिप सिविल वॉर्स एट्सेट्रा सर्कल ऑफ़ रिलीजन एंड कॉम्युनिटी ओवरलैप लेकिन जो सर्कल है किस चीज़ का रिलीजन और कम्युनिटी का वो ओवरलैप रहा वो एक दूसरे से अलग नहीं हुआ तो तीन एस्पेक्ट्स के बारे में Uh, uh, बताया गया है यहाँ पर जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ रिलीजन कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स पाँचवीं शताब्दी तक आते आते जो पॉलिटिक्स थी वो अलग हो गई उसमें अदर सब्जेक्ट्स आ गए लेकिन रिलीजन और कम्युनिटी ओवर रैप लैप्ड रहे एक दूसरे पर वो साथ साथ चलते रहे द मुस्लिम कम्युनिटी वॉज यूनाइटेड इन इट्स ऑब्जरवेंस ऑफ शरिया इन रिचुअल एंड पर्सनल मैटर्स जो मुस्लिम कम्यूनिटी थी वो यूनाइट होती थी रिचुअल्स के लिए और पर्सनल मैटर्स के लिए इट वॉज़ नो लॉन्गर गवर्निंग इट्सल्फ पॉलिटिक्स वॉज़ अ सेपरेट सर्कल तो पॉलिटिक्स कैसा हो गया था एक सेपरेट सर्कल हो गया था बट इट वॉज डिफाइनिंग इट्स रिलीजियस आइडेंटिटी हालाँकि पॉलिटिक्स में भी ये उस टाइम पे पता था कि आ, कौन लोग ही हैं इस्लाम है तो अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को बनाए रखा द ओनली वे द सर्कल्स ऑफ रिलीजन एंड कम्युनिटी कुड हैव सेपरेटेड वाज अब पॉलिटिक्स तो उससे अलग हो गई इन एस्पेक्ट से किन एस्पेक्ट से रिलीजन से और कम्युनिटी से लेकिन अब इनको किस तरह अलग किया जा सकता था इनको अलग करने का एक ही तरक् था कि सेकुलरिज्म को बढ़ाया जाए सेकुलरिज्म क्या होता है दैट इज़ कि किसी भी धर्म को मानने का अधिकार किसी पर किसी धर्म को थोपा ना जाए तो इस तरह कॉम अलग अलग कॉम्युनिटी अलग अलग धर्म को अपना सकती हैं और इस तरह वो सेपरेट भी किया जा सकता है धर्म को कम्युनिटी से फिलोसोफर्स एंड सूफीज़ एडवोकेटेड दिस फिलोसोफर्स ने सूफीज़ ने इसको अपना मत दिया और सजेस्ट किया कि सिविल uh, सोसाइटी जो है वो ऑटोनॉमस होनी चाहिए यानी नागरिक समाज जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए और जो रिचुअल्स हैं यानी जो रीति रिवाज हैं वो उसकी जगह निजी आध्यात्मिकता को ले लेनी चाहिए फिलोसोफर्स एंड सूफीज़ एडवोकेटेड सजेस्टिंग दैट सिविल सोसाइटी शुड बी मेड ऑटोनॉमस दैट मस्ट बी फ्री एंड रिचुअल मस्ट बी रिप्लेस्ड बाई प्राइवेट स्प्रिचुअलिटी की रीति रिवाज़ों को मानने के बजाय हम निजी अध्यात्मिकता को मानना शुरू करें यानी सब स्वतंत्र हों अपने किसी भी धर्म को अपनाने के लिए तो स्टूडेंट्स हेयर योर चैप्टर फोर ऑफ क्लास इलेवेंथ हैज़ बीन फिनिश्ड